वेलकम टू मरीना बे सैंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो हम लोग ग्रीन लाइन मेट्रो लेके बुगीज में उतरे, फिर बुगीज से डाउनटाउन लाइन वाली मेट्रो ली, फिर वहां से हम लोग बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन में उतरे और बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन के साथ मरीना बे सैंड्स कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन से निकलते ही मरीना बे सैंड्स के मॉल में एंटर कर जाते हैं। तो हम लोग एंट्रेंस सी से निकले जहाँ से स्काई पार्क जा सकते थे, क्योंकि हमारा आज मरीना बे सैंड्स का स्काई पार्क देखने का प्लान था। वैसे तो मरीना बे सैंड्स में देखने के लिए काफ़ी कुछ है, बट सिंगापुर में वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से ये स्काई पार्क काफ़ी फेमस है। सो मरीना बे सैंड्स बेसिकली एक लग्जरी होटल है और इसी के साथ कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ा मॉल है जहाँ लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, और यहाँ आने के बाद लिटरली फील भी होता है कि बहुत ही लग्जूरियस होटल में आ गए हैं हम, जो कि ये है भी। हम मरीना बे सैंड्स आ गए हैं। ये जो अंदर एंट्री किया है हमने, ये फर्स्ट टाइम एंटर किया है, इतना अमेजिंग लग रहा है सी। हम लोग सैंड स्काई पार्क के यहाँ आ गए हैं। अभी सौरभ ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे। तो आप यहाँ के लिए टिकट्स ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर काउंटर से भी डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। सो क्लूक ऐप से हमने टिकट्स बुक किया $30 पर एडल्ट और 2 ईयर्स अबव बच्चों के लिए $26। सो हम लोग लिफ्ट लेके पहुंच गए स्काई पार्क, जो कि 57th फ्लोर पे है, और लिटरली इतना स्पीड में लिफ्ट गया, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतना स्पीड लिफ्ट देखा। एनीवे, ऊपर आते ही फर्स्ट में दिखता है फोटो बूथ, जो फोटोज क्लिक करा सकते हैं यहाँ के फोटोग्राफर से, फिर यहीं से कलेक्ट कर सकते हैं वो फोटोग्राफ्स। सो फाइनली वी एंटर द स्काई पार्क, और उस टाइम काफी भीड़ थी, बट क्या व्यू दिख रहा था वहां से। और स्काई पार्क से आप किस किस जगह को देख पा रहे हैं उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ था। हम लोग मरीना बे सैंड्स जो ऊपर है एकदम स्काई पार्क वहाँ पहुँच गए हैं, एंड इतना अमेजिंग लग रहा है ना व्यू। तो हम लोग अभी एक और साइड है, वहाँ गए नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पहला ही एरिया पहुँचे हैं, ये गार्डन्स बाय द बे का पूरा वहाँ से व्यू आ रहा है, एंड पूरा सी व्यू आ रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर आगे की तरफ जाएंगे। एक और व्यू पॉइंट है, वो डाउनटाउन का व्यू दिखता है पूरा वहाँ से, तो वहाँ थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ भी अभी, तो यहाँ थोड़ा सा हम व्यू एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं यहाँ पे। श्रीनिका बहुत एंजॉय कर रही है। सौरभ पॉपकॉर्न ले आए हैं एंड चिप्स ले आए हैं, पॉपकॉर्न खा के दिखा रही है। सौरभ मेरे लिए, हाँ ये तो चिप्स, सौरभ मेरे लिए ग्लूटेन फ्री चिप्स ले आए। मैं बड़ा खुश हो गई देख के कि यहाँ ग्लूटेन फ्री चिप्स भी मिल गया। ये जो इधर है, इधर आई थिंक ईस्ट कोस्ट पार्क है, और चांगी एयरपोर्ट है वो इधर है, इस एरिया में कहीं पे। श्रीनिका को यहाँ भी फ्रेंड मिल गई, भाग रही है और खेल रही है। Got a new friend. So, अब हम इसके दूसरे एरिया में आए, थोड़ा आगे की तरफ। यहाँ से पूरा डाउनटाउन व्यू दिख रहा है, यहाँ से भी इक्वली उतना ही अमेजिंग लग रहा है जितना वो वाला साइड था। ये जो है यहाँ पे, ये लाइट एंड साउंड जो होता है यहाँ पे, तो ये है वो हिलिक्स ब्रिज, इतना छोटा छोटा दिख रहा है सब कुछ।
यहाँ आके इतना अमेजिंग लग रहा है, ऊपर से व्यू देखना। इतने दिनों से सिंगापुर हम लोग नीचे से ही जैसा है नॉर्मली एक्सप्लोर कर रहे थे, बट यहाँ ऊपर स्काई पार्क में आके पूरा यहाँ से जो है व्यू देखना बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये रहा एप्पल, फ्लोटिंग एप्पल स्टोर, कितना छोटू सा दिख रहा है यहाँ पे। ये वाला है आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, स्काई व्यू भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ से देखने में। तो अभी देखते हैं नाइट व्यू देख के, देन हम लोग यहाँ से जाएंगे सोच रहे हैं। श्रीनिका ने फ्रेंड बनाई है, उसकी फ्रेंड उसकी फोटो क्लिक कर रही है और श्रीनिका पोज दे रही है, पोज देने में बिजी है। ये अभी थोड़ा ऊपर आ गए हैं एंड यहाँ आते ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है एंड श्रीनिका वहाँ खेल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, यू हैविंग लॉट ऑफ फन। मैं यहाँ से व्यू एंजॉय करने थे, श्रीनिका को अपना फ्रेंड को छोड़ना नहीं था इसलिए ऊपर आ गई, तो मैं भी यहाँ से आके व्यू यहाँ से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऊँचा। दोनों यहाँ पे बेबी शार्क सॉन्ग गा रहे हैं। सो डिनर टाइम हो गया था और हमें भूख भी लग गई थी, तो मरीना बे के ही फूड कोर्ट में हम लोग खाने चले गए और बहुत ही अमेजिंग फूड कोर्ट है। तो डिनर में ये एज यूजुअल यहाँ आते तो यहाँ का माला हॉटपॉट खाते हैं और मैंने अपने लिए बिरयानी मंगाई है, यही है हमारा आज का डिनर। अगर ये मरीना बे सैंड आया है एंड यहाँ का जो फूड रिपब्लिक एरिया है, फूड कोर्ट है, वहाँ से आप ये वाला स्टोव माला हॉटपॉट, यहाँ से ये माला हॉटपॉट जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। हम लोग यहाँ ऊपर इधर गए थे इसके ऊपर और यहीं से ही हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे नीचे का, कितना ज़्यादा ऊपर लग रहा है ना, ये बहुत ऊंचा है। एंड वहाँ अभी लाइट एंड म्यूजिक शो चल रहा है, ऑलरेडी ये वाला हमने देखा हुआ है तो इसलिए हम जा नहीं रहे हैं, सेम ही हो रहा है। तो अभी हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे एक घंटा जितना, फिर हम घर चले जाएंगे। और श्रीनिका बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, पागल हो गई है, यहाँ के भागे जा रही है। देखो देखो देखो, बहुत जोर की मस्ती चल रही है। बिट्टी बिट्टी गाइस, आज का ये वीडियो मैं आप यही फिनिश करती हूँ। हमें अच्छा लगा घूम के मरीना बे सैंड्स, तो हम लोग ऊपर गए एंड देन अभी रात को नीचे आ गए। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो अच्छा लगा, सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।